ये हम दोनों इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं तो दोनों बिजी होते हैं, वी आर इंस्टाग्रामर्स। कई बार तो ऐसा होता है कि लाइन के लिए रोलिंग बोल दी गई है डायरेक्टर ने, हम तब भी अच्छा मूड में आना। अच्छा करण और प्रीता का एक गाना भी है जो प्रीता करण के लिए गाती है, इंस्टाग्रामर जरा प्यार दे कर इंस्टाग्रामर। I have an explanation to this. Set पे भले ही मैं late आती हूँ, लेकिन for this scene I go first, है ना? I always wait कि पहले ये चली जाए फिर मैं चला जाऊँ। उसके बाद मतलब yeah, like we're almost at the same time. Yeah. I'm never late for this scene, but on location I come late क्योंकि मैं makeup नहीं करती हूँ ना ज़्यादा। What? देर नहीं लगती है ready होने में। मैं yeah, of course. यार हम दोनों में obviously क्योंकि बाल बनाने होते हैं, मेकअप है, मतलब probably 10-15 years more than you, but still ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती है, मतलब हाँ नहीं in fact ये कोई भी गलती नहीं है, but I anyway don't take a lot of time to get ready because I don't like to sit and do a lot of makeup. 10 मिनट में हो जाता है। सोता तो कोई भी नहीं है, बट सोते तो हम रात को कट सेट पे क्या सोएंगे, कट होता तो ये सेट से एकदम ये गायब हो जाती है। हां आई वांट टू गो टू माय रूम एंड रेस्ट। ये हम दोनों इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं तो दोनों बिजी होते हैं, वी आर इंस्टाग्रामर्स। कई बार तो ऐसा होता है कि लाइन के लिए रोलिंग बोल दी गई है डायरेक्टर ने, हम तब भी अच्छा मूड में आना। अच्छा करण और प्रीता का एक गाना भी है जो प्रीता करण के लिए गाती है, इंस्टाग्रामर जरा प्यार दे कर इंस्टाग्रामर। ये ज्ञान तो मेरे से ज़्यादा, क्योंकि भाई करण बाबा का ज्ञान बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। हाँ, आप लोग समझते ज्ञान नहीं मतलब उसकी जो जितना ज्ञान देगा उसका मतलब उसकी उतनी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ये हर छोटी छोटी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इसके पास टिप्पणियाँ होती हैं। मैं यहाँ क्या टिप दूँ, वो देगी ना एक सर क्वेश्चन। जैसे अभी आते आते भी इसने मुझे टिप दिया है, टू बी वेरी केयरफुल विच इज़ वेरी गुड, के कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और वी नीड टू बी रियली केयरफुल, और मास्क को ऐसे हाथ में झुलाओ नहीं, पहनो एंड ऑल दैट। हमारा वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, एक नकली सा स्नेक लेके आके मेरे ऊपर डाल दिया था इसने, एंड आई हैड गॉटन शिट स्केयर्ड। या मैन मतलब इट्स सो इम्पोर्टेंट ना, नाउअडेज इतना स्ट्रेस है सबको, तो थोड़ा बीच में हंसना खेलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो हाउ करण लूथरा विल परफॉर्म। रीटेक्स कोई नहीं देता यार, शी इज एन एक्सीलेंट एक्टर, सो इज ही, सो इसको अपनी लाइंस बिल्कुल याद होती हैं। और मैं कई बार मस्ती के मूड में होता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ये बहुत सीरियस है तो मैं भी सीरियस हो जाता हूँ अबाउट द सीन एंड ऑल, लेकिन मैं हमेशा सीरियस नहीं रह पाता हूँ तो बीच में मतलब मेरी मस्ती जारी रहती, बट रीटेक्स कोई नहीं देता। हमको रीटेक लेने भी बोलते हैं तो हम कहते हैं नहीं अच्छा तो था। एक्चुअली कैरेक्टर में तो मैंने हम लोगों ने आपको अभी भी बताया, हम लोग इंस्टाग्राम पे कितने फेमस हैं, तो हमारा कट होने का इंतज़ार भी नहीं करते, हमें पता हमने अपनी लाइन बोल दी तो हम सीधा इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। सो कैरेक्टर तो आप भूल जाओ।